नमस्कार साथियों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल राजमान से स्वागत है। दोस्तों, ये हम जो टॉपिक को देने जा रहे हैं ये 26 तारीख यानी 26 मई का सीएसएस का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है किसी चिट के द्वारा, तो जितने सारे क्वेश्चन है अच्छा खासा क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जिससे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एंगल बी इज 90 डिग्री एंड टेन ए बराबर 1/√3, देन फाइंड साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड, ये कह रहा है कि एक हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है, जहाँ पे बी हमारा क्या है 90 पे है, ए है और ये सी है, ए हमारा 90 पे है। ठीक है, ये कह रहा है टेन ए बराबर 1/√3, यानी टेन ए बराबर, यानी ये हम ए अगर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा पी वाई भी होता है, ये 1/√3 हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है आपके 10 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी तो 30 की, ये हमारा 30 का हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 90, ये 30, ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। फ्रेंड, उसी तरह से ये 30 लेते हैं तो 1/√3, ये हमारा कितना होता है 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, साइन ए हमारा है तो साइन ए यानी साइन 30 डिग्री, पी बाय एस तो पी बाय एस मतलब 1/2, कॉस सी तो कॉस सी हमारा ये हो गया, इसके लिए हो गया P और B बाय एच यानी हो गया ये हमारा 1/2, तो ये भी 1/2 हो गया। कॉस ए हमारा तो कॉस ए के लिए हमारा P हो गया, B B हो गया क्या हमारा 3/√3, यानी 3/√3 और 2/2 इसका हो गया। साइन C लेते हैं तो C के लिए साइन हमारा ये P बाय एच यानी P बाय एच का हमारा क्या हो गया 3/√2, ये भी हमारा 3/√2 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये भी 3/√3 यानी 3/4 हो जाएगा। इट मीन्स 4/4, इट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 45% अधिक अंकित किया जाता है, यानी मान लीजिए कि अगर कोई राशि हमने ली, ठीक है 100 हमने लिया, ठीक है उसे 45% कह रहा है अधिक अंकित कर दिया हमने, तो 45% अधिक अंकित करने में मतलब 145 हो गया। फिर इसमें दो छूट दिया जा रहा है, एक 15% का और फिर से 15% का। ठीक है, ये छूट दी जा रही है, तो बोला कि क्या होगा। देखिए, अगर 15% का छूट दिया जा रहा है फ्रंट, यहाँ पे कितना इसका 15% कितना हो जाएगा, देखिए 10% अगर किया जाए तो 14.50 हो गया 10%। ठीक है, और 5% इसका कितना हो जाएगा 7.25 हो जाएगा 5%। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटा दूँ जैसे, यानी इस पर कितना घट जाएगा 21.75 घट जाएगा, जैसे घटेगा तो ये 25 इधर हो गया और हमारा 4 में से 1 3 हो गया, और इधर में 14 में से 2 12, यानी हो गया हमारा एक छूट के बाद हमारा हो गया 123.25 रुपया का। यहाँ से अगर फिर से 15% छूट करते हैं तो अभी 15% इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका 10% अगर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड 12.32 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर फिर से 5% लेते हैं यानी आधा लेते हैं तो हमारा कितना होगा 6 और ये 16 हो जाएगा। बस इसको घटा दीजिए यहाँ से, कितना हो जा रहा हमारा, तो हमने यहाँ पे किया 6 2 8 और ये हमारा 3 1 4 हो गया, और ये 6 2 8 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, इसे घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 7 15 हो जाएगा, और ये हमारा 1 11 7 हो गया, यहाँ पे हमारा 12 है तो 8 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा फ्रेंड। तो आई थिंक आपका कितना हो जाएगा 104.77, यानी जो आपको प्रॉफिट होगा वो 4.77% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि 8R यानी इस तरह से दिया हुआ 8R/R² - 8R+1 और ये बराबर दिया हुआ 1/14, तो पूछा 1/R कितना, R प्लस 1/R कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, इसको अगर हमने लिए, देखिए यहाँ से अगर हमने 8 ऊपर से कॉमन ले लिया, यानी 8R ले लीजिए। ठीक है, मैंने नीचे से R कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे R बचेगा और यहाँ पे 8 हो गया और प्लस 1/R हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/14। ठीक है, तो यहाँ से आर आर हमारा कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया वो देखिए, अब हमारा बच जाएगा यानी ये 14 × 8 हो गया। ठीक है, 14 × 8 यानी 112। ठीक है, ये हमारा बच गया इधर R - 8 और प्लस 1/R हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब करते हैं तो देखिए 1R + 1/R अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 112, इधर 8 चला गया यानी इसके आंसर हो जाएंगे 120। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा आंसर हो गया 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 16,632 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है फ्रंट, तो ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3π² ठीक है, अब ये हमारा कितना दिया हुआ 16,632 है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा और 22/7 पाई आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, पाई की वैल्यू और ये हमारा R² यहाँ से हमारा हो गया 16,632। ठीक है, यहाँ से अगर कट करते हैं तो देखिए कैसे कटेगा, अगर 22 को देखा जाए तो 11 से 2 बार में कट गया, 11 से यहाँ पे हमारा कट जाएगा, एक बार में 5 यानी 5 हो गया, एक बचा है तो 1 से हमारा
एक बचा फिर यानी 11, फिर दो बचा 11, 22, ठीक है। अब यहाँ पे होगा हमारा 3 × 2 = 6, 6 से देखिए कटेगा क्या, 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 से 2 × 12 = 12, 3 × 6 = 35, 6 × 2 = 12, यानी ठीक है। ये कितना हो गया हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 252 × 7, ठीक है। यहाँ पे अगर तोड़ते हैं तो देखिए 7 एक तो ये रहा, इसको 7 से तोड़ेंगे, 7 × 21 और यहाँ बचा हमारा 6 × 7 = 42, यानी आर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7 × 6, आर की वैल्यू 7 × 6 होगी, ठीक है। अब क्या बोला आपके उसका आयतन ज्ञात करने के, तो चलिए आयतन अगर ज्ञात करते हैं तो आयतन अर्धगोला का जो आयतन क्या हो जाएगा, फ्रंडी हो जाएगा 2/3, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच यानी सॉरी पाई आर क्यू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तब यहाँ पे करें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 हो गया, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा, आर हमारा कितना है तो 42, फिर 42 और फिर से 42, इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर होगा वो हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 7 × 21 हो गया, 21 से यहाँ से कट गया हमारा, 2 × 42 हो गया, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा 42 करेंगे तो 1764 यहाँ हो जाता है, और यहाँ पे हमारा 22 × 4 = 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे आपके जो आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू देकर रखा 7, आपसे पूछा है एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, चलिए इसको करते हैं। इसको क्या हम ऐसे रख सकते हैं, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हमने लगा दी, प्लस फिर यहाँ से वाई बाई एक्स की हमने होल स्क्वायर लगा दी, ठीक है, और प्लस हमारा 7 हो गया। अब देखिए ये किस रूप में आ सकता है फ्रेंड, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया इधर हो गया। अगर मैं इसको लगा दूँ यहाँ पे, हमने अगर 2 लगा दी इधर साइड भी और 2 लगा दी हमने इधर साइड भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, इसे देखिए ये हो जाएगा इजिली। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 × 2 = 9 हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या मिला फ्रेंड, यहाँ से हमें मिला है एक्स बाई वाई और प्लस वाई बाई एक्स बराबर कितना मिला है, 3 मिला, ठीक है। अब क्यूब क्यूब फॉर्म में है तो अब सीधा कर दीजिए, यानी यहाँ पे एक्स वाई वाई का होल क्यूब करेंगे और यहाँ पे वाई बाई एक्स का होल क्यूब करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का दिया हुआ था, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाता है हमारा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 है, ए मतलब क्या हो गया कि इसका क्यूब और 3a मतलब 3 × 3, तो कितना हो जाएगा ये 27 हो गया और माइनस 9 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गया, ठीक है। चलिए और यहाँ पप्पा ये समझ में सारे आ रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि 2a प्लस 5b इसका जो 12 एंड ab बराबर 3 है, तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, देखिए ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा इसका होल स्क्वायर टर्म है, तो सीधा हम इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं जैसे हमने किया 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए इधर ये 12 × 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं ये 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, 2b b का होल स्क्वायर यानी 25b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, 2 हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 × 2a × 5b, ये हमारा कितना हो गया 144 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं घटाऊँ तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 = 20 और यानी हमारा हो गया 20 इधर हो जाएगा और ab की वैल्यू कितनी है, तो 20 × 3 = 60, यानी कितना हो जाएगा 144 और माइनस 60 कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 4 और ये 8 × 14 यानी 84 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 84 इसके आंसर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसलिए मैं फास्ट कर लूँ ताकि फास्ट ऐसे कर सके और एग्जाम में कैसे हमारा करेक्ट होता है वो भी देख सकते। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो करते हैं, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 15 विद्यार्थी और 3 शिक्षक का औसत वजन कितना 60 kg, देखिए 18 लोग हैं ना, उनका एवरेज कितना 60 kg है, ठीक है। कह रहा है 4 और आ जाते हैं यानी 4 लोग और शामिल हो जाते हैं जिनका एवरेज कितना है 63 है, समझिए फ्रेंड कि 18 लोगों का 60 kg अगर एवरेज है तो टोटल अगर करना चाहेंगे तो 60 × 18 होता और इसका करना चाहेंगे तो 63 × 4 होता। अब मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, क्या करना ये देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 18 लोगों का 60 दिया हुआ, 4 लोग एक्स्ट्रा एडिशनल होंगे 63 होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 4 लोग एक्स्ट्रा जो है उसमें कितना बढ़ा है 60 से बढ़ा है 3, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 3 जो बढ़ा है 3 बढ़ा दीजिए और कितने लोग का बढ़ा है 4 लोगों का, तो ये 4 लोगों का एक्स्ट्रा बढ़ा है 12, 4 लोगों का जो एक्स्ट्रा बढ़ा है 12 बढ़ा, और देखिए पहले एवरेज हमने कितना माना चला है 60 इसका भी था, 60 हमने इसके लिए छोड़ दिया, एक्स्ट्रा जो 3 है हमारा 3 × 4 है और वो 3 × 4 जो फ्रेंड कितने लोगों में बटेगा, तो बटेगा हमारा 15 × 3 = 18 और 4 बाद में यानी 18 × 4 = 22, यानी 22 लोगों में बट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से कट जाएगा 11 बार में, यानी नया एवरेज इसका हो जाएगा 60 हो गया, यहाँ पे 3 × 2 = 6 पूर्णांक यानी 60 × 6/11 सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे और चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति की आय हमारा 70,000 है, उसका खर्च 32% है, तो उसकी बचत कितनी होगी, ठीक है। चलिए
70,000 हमारा आय है बस, और खर्च है 32%। 32% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 32/100 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। 100 में से अगर 32 कोई खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना हमारा, 68% बचेगा। 100 की वैल्यू कितनी है, 70,000 है, ठीक है। 100 की वैल्यू 70,000 यानी मतलब ये 700 गुना है, तो आप इसको सीधे हम क्या कर सकते हैं, 700 गुना कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7×56 हो जाएगा, 5×7=42 और 5×47 हो जाएगा, यानी और यहाँ पे 00 यानी 47,600 इसके क्या हो गए फ्रेंड, बचत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी एक निश्चित साधारण निश्चित राशि पर 25% सालाना ब्याज की दर से 2 सालों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1725 है, तो हमें क्या किस बोला किस निश्चित राशि पर, ठीक है, किस निश्चित राशि पर 25% सालाना ब्याज की दर से 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना होगा, ठीक है। तो देखिए D2 हमें निकालना है, D2 हमारा क्या होता है, PR² / 100 × 100 होता है, ठीक है। यहाँ बैठा सकते हैं, D2 हमारा क्या है 17 और 25 बैठ गया, ये हमारा P निकालना है मुझे, R हमारा कितना 25%, तो 25 हो गया और 25 से यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 हो गए और यहाँ पे 100 हो गए, 25 से ये 4 में कट गया, 25 से ये 4 में कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू, तो 17 से 25 को आप अब कितना से गुना कर देंगे, सीधा 4×16 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 16×25 करेंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, 25 यानी 16×25 करेंगे तो 400 हो गया, इसका 400 हुआ, 4 हाथ में बच गया, 16×17 यहाँ पे करना है, ठीक है। तो 16×7=112 होता है, 4 होता है, 116, 11 बच गया, 16 और 11 यानी 17 तो 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27,600। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 15% के छूट के बाद एक वस्तु है 120,700 बेची जाती है, तो अंकित मूल्य, ठीक है। 15% छूट का मतलब 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है 3/20 होता है, ठीक है। तो 15% छूट वैसे मतलब छूट देने का जो बेचा गया होगा 17 में बेचा गया होगा, तब कर सकते हो सीधा कि 17 की वैल्यू ये हुई, तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 20 का निकाला, तब अंकित मूल्य निकाल सकते, ठीक है। देखिए 17 से कटेगा, 17×70 से कट गया, अब यहाँ पे कट गया हमारा एक बचा है, तो एक यहाँ पे कट जाएगा यानी 7100 हो गया, 7100 से 2 और गुना करेंगे तो 2×2=74 यानी हो गया हमारा कितना, देखिए इसमें 00 हमारा लग गया, ठीक है, यानी हमारा 120,700 हुआ था, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 142,000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी ये हो गया 3 जीरो यहाँ से लग गया 142,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी तरह की जनसंख्या 80,000 थी, पहले 8% की कमी की जाती है, फिर 5% की वृद्धि, यानी मान लीजिए कि 80,000 जनसंख्या थी पहले, ठीक है, 8% की कमी की गई यानी 92/100 बच गया यहाँ पे हमारा, 5% की वृद्धि की गई यानी 105/100 कर दीजिए, ठीक है, कर दिया हमने। यहाँ से हमारा देखिए ये कितना जीरो है, 2, 2, 4, तो 4 जीरो हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 8×5=40 ऐसे हो गया, 8×5=40 हो गया यहाँ पे हमारा, और 8 से 1 बार में 8 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं 92 से, ठीक है, बस यही करना था हमें, ठीक है। तो चलिए ये 4×2=8 हो जाएगा हमारा, और ये 8×2=16, 9×6=36, तो 36 और 16 यानी 36 और 16 36×6=42 और 52 हो गया हमारा। अब 52 का 2 हो गया, 5 बचा हमारा, तो 9×8=72, 72×5=77 हो जाएगा, यानी इतना वैल्यू हो गया 77,280 अब बच गया जनसंख्या, ठीक है, न्यू करंट वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 8 मीटर और 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर का दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 11×25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें लगाई जा सकती है, ठीक है, समझते हैं। हमारा जो दीवार है 8 मीटर का है इंटू 6 मीटर का है और इंटू हमारा कितना है 22.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। नीचे हमें जो बनाना है वो कितना है 25 सेंटीमीटर का, ये हमारा 11.25 सेंटीमीटर का और ये हमारा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, बनाना है हमें। अब हमें यहाँ चेंज क्या करना है वो देखते हैं, ये सेंटीमीटर में है सारे ये, लेकिन मीटर में, तो ये मीटर को चेंज करने के मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये सेंटीमीटर में हो जाए, ठीक है। यहाँ भी मैंने गुना किया तो ये भी सेंटीमीटर में हो। अब देखिए क्या होगा, 11.25 ये 22.50 है, इसको हम करेंगे तो सीधा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया, 25×6 करेंगे तो 150 और 150 से कट जाएगा हमारा, ये 4 बार में कट गया, ठीक है। 4×2=8, 8×8=64 यानी कितना होगा आंसर हमारा, 6400 इसका आंसर हो गया फ्रेंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा इसमें नहीं दिख रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हमने नहीं ले पाया, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देखते हैं। वहाँ पे कह रहा था कि देखिए 2 ट्रायंगल थे ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल है दोनों, ये 2 ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, देखिए ये जो क्वेश्चन ये है हमारा है, देखिए ये कह रहा है ये हमारा 2 हैं A B C, ठीक है,
और यहाँ पे हमारा पी है और क्यू है और आर है, ठीक है। यहाँ पे जो बराबर यहाँ पे इस भुजा में कर रहा है, यानी ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला, और इसमें भी जो बराबर है ये और ये बराबर है आपस में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें जो दिया हुआ है ना, इस बी की वैल्यू दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बोला है कि आप इसकी वैल्यू कितना होगा बताएं, ये आर की वैल्यू फ्रेंड, यानी ये कौन क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 50 ये बराबर है तो एंगल एक्चुअली ये बराबर होगा आपस में, ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पे दे के रखा है एक चीज़ और भी है, वो हमारा दे के रखा है ए सी बराबर ए बी बराबर पी क्यू और बराबर जो दिया हुआ है पी आर दिया हुआ, ये दे के रखा है इसमें, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब सोचिए ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब को एंगल हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, सेम हो गया। तो जैसे ये 50 डिग्री हो फ्रेंड, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज हमारा समवर्ग सम हो रहा है, क्योंकि ठीक है दो भुजाएं आपस में बराबर होगा तो तीसरी भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, जब तीसरी भुजा आपस में बराबर होगी तो एंगल भी हमारा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन थे हमने आपके लिए अपलोड किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा सोल्यूशन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हाँ, कुछ गलतियां जैसे हो जाती कभी भी बाय मिस्टेक, तो वो क्या होता है कि हमें पूर्णतः आइडिया नहीं होता, हमें हमारे पास जो क्वेश्चन भेजा जाता है हम उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब एग्जाम में डेटा क्या होता है ये तो हम अकॉर्डिंग 100% नहीं बैठा सकते, क्योंकि हम तो बैठते नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ लगता है कि डेटा में इधर उधर मिसमैच हुआ तो आप मुझे सेंड करके बता सकते हो। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।